गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के समक्ष स्टैटिक जीके का टेस्ट सीरीज नंबर 14 लेकर आया हूं। तो चलिए अब हम लोग वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और बैडमिंटन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में फेडरेशन कप का संबंध जो है वो फुटबॉल खेल के साथ है। बीसी राय ट्रॉफी, मर्डेका कप, आशुतोष ट्रॉफी, सीजर्स कप इत्यादि फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल जो है वह विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है। फुटबॉल खेल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा है। और अजलान शाह कप, रंगास्वामी कप, बेटन कप, डीसीएम श्रीराम ट्रॉफी इत्यादि हॉकी से संबंधित है। और होलकर ट्रॉफी, नेहरू कप, रामनिवास रुइया चैलेंज कप इत्यादि बास्केटबॉल से संबंधित है। थॉमस कप हो गया, उबेर कप हो गया, अब्दुल रहमान कप और एम आर रुइया कप इत्यादि बैडमिंटन से संबंधित है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर दो की तरफ, विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक क्या है? ध्रुवी भालू, सफ़ेद भालू, लाल पांडा, चीता। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक लाल पांडा है। विश्व वन्य जीव कोष एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय ग्लेंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका लक्ष्य वन्य जीवन का संरक्षण करना तथा पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव को घटाना है। संरक्षण से संबंधित यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ, भारत द्वारा विकसित किस ICBM की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है? पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और अग्नि 2। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नि 2। भारत द्वारा विकसित अग्नि 2 ICBM की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है। अग्नि 2 एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। 17 टन वजन की यह मिसाइल 2000 किलोमीटर की दूरी तक 1000 किलोग्राम का पेलोड लेकर जा सकती है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अब क्वेश्चन नंबर चार, विश्व में गोरैया की घटती संख्या के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से डैश को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है, 20 मार्च, 22 मार्च, 24 मार्च, 26 मार्च। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व में गोरैया की घटती संख्या के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत जो है वो 2010 में हुई थी। 22 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 26 मार्च को प्रतिवर्ष मिर्गी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और 23 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व 22 मार्च को ठीक है और 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच की तरफ, सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किस स्थल को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो, चनूद्रो, लोथल, दैमाबाद। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर लोथल को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता जो है वो कालीन स्थल लोथल गुजरात में स्थित है। सिंधु सभ्यता कालीन स्थल मोहनजोदड़ो को सिंध का बाघ भी कहा जाता है। दैमाबाद सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणतम स्थल है और सिंधु सभ्यता की प्रांतीय राजधानी राखीगढ़ है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर छः की तरफ, गरणी कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान, त्रिपुरा, पुदुचेरी और गुजरात। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरणी जो है वो पुदुचेरी का लोक नृत्य है। कालबेलिया जो है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। होजागिरी त्रिपुरा का एक लोक नृत्य है। और गरबा और टिपाणी गुजरात का लोक नृत्य है। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी पुदुचेरी है। पुदुचेरी पर फ्रांसीसियों का आधिपत्य था। 2006 में पौंडीचेरी का नाम पुदुचेरी कर दिया गया। फ्रांस ने 1954 में पुडुचेरी क्षेत्र भारत को सुपुर्द किया था, मतलब सौंप दिया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सात की तरफ, सूची वन को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनिए। सूची वन में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, सूची टू में 1974 परमाणु अपसार संधि 1963, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1968, पोखरण प्रथम परमाणु परीक्षण 1996 में। ठीक है, तो हम इसके अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि जो है वो 1963 में अपनाया गया था। परमाणु अपसार संधि जिसको कि NPT की रूपरेखा 1968 में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और अन्य 58 देशों ने मिलकर तय किया था। और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि जिसको कि CTBT एक बहुपक्षीय संधि है। ठीक है, और CTBT को 10 सितंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब से नंबर आठ, निम्नलिखित कलाकारों और उनके कला रूपों का मिलान कीजिए। संयुक्ता पाणिग्रही, सितार, TN कृष्णन मृदंगम, पंडित रविशंकर वायलिन, पालघाट मणि अय्यर, उड़ीसी नृत्य। तो हमारा हो जाएगा कि संयुक्ता पाणिग्रही उड़ीसी नृत्य की नृत्यांगना है,
टीएन कृष्णन वायलिन वादक है, पंडित रविशंकर सितार वादक है, और पालघाट मणि जो है हमारे अय्यर मृदंग वादक है, और उड़ीसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक, अब शास्त्रीय संगीत नृत्य है और उनसे संबंधित राज्य कुछ हैं, देख लीजिए कौन कौन से हैं। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। कथकली मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अभियंता दिवस किनके जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम, एम विश्वेश्वरैया, श्री प्रभाकर सिंह, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 का बी ऑप्शन नंबर, एम विश्वेश्वरैया। अभियंता दिवस एम विश्वेश्वरैया के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है, और मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को आधुनिक भारत के विश्वकर्मा के रूप में स्मरण किया जाता है। विश्वेश्वरैया जयंती के अवसर पर 1968 से ही प्रतिवर्ष अभियंता दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, और डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, और महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाई जाती है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्य नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नरेंद्र बत्ता, डोराबजी टाटा, एजी नोहेहरन और हैरी क्रोवी बुक। तो इसका जगह ऑप्शन नंबर बी दोराबजी टाटा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्य नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय दोराबजी टाटा थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्विट्जरलैंड में स्थित ओलंपिक अभियान की सर्वोच्च संस्था है। नरेंद्र बत्रा जो है वर्तमान में IOC के सदस्य हैं, और IOC द्वारा प्रति 4 वर्ष पर ओलंपिक खेलों का प्रतिस्पर्धा का आयोजन होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सेंटियागो राजधानी है कहाँ की? फिजी की, इथियोपिया की, आर्मेनिया की या चिली की? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चिली की। सेंटियागो जो चिली की राजधानी है, और चिली जो है दक्षिण अमेरिका का एक देश है, फिजी की राजधानी सुबा है, और इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। परमाणविक ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अधीन है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, प्रधानमंत्री कार्यालय के। परमाणविक जो ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशासन के अधीन है। यह विभाग प्रधानमंत्री के अधीन ही होता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इस विभाग की स्थापना राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से 3 अगस्त 1954 को की गई थी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। रूस द्वारा भारत को अकुल द्वितीय श्रेणी की नेरपा परमाणु पनडुब्बी सौंप दी गई, इसका भारतीय नाम क्या रखा गया? INS परम, INS त्रिशूल, INS चक्र या INS रक्षक? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी INS चक्र। रूस द्वारा भारत को अकुला द्वितीय श्रेणी की नरेपा परमाणु पनडुब्बी सौंप दी गई, इसका भारतीय नाम INS चक्र रखा गया है। ठीक है, 2012 में रूस ने प्रिमोरियो के पूर्वी बंदरगाह पर भारतीय नौसेना को नरेपा परमाणु पनडुब्बी सौंप दिया था। ठीक है, और INS त्रिशूल को F-43 के नाम से भी जाना जाता है। INS त्रिशूल भारतीय नौसेना का एक जंगी जहाज है, और INS सिंधु रक्षक एक नौसैनिक पनडुब्बी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कंबोडिया का नाम पने शहर किस नदी के किनारे बसा है? इरावदी नदी, सालवीन नदी, चाओ फ्राया नदी, मेकांग नदी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेकांग नदी। कंबोडिया का फनोम पने या नाम पने शहर मेकांग नदी के किनारे बसा हुआ है। नाम पने कंबोडिया की राजधानी है। मेकांग नदी म्यांमार, लाओस, थाउलैंड, लाओस और कंबोडिया लाओस के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन धारा भी कहा जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। महान चित्रकार होने के साथ साथ राजा संसार चंद का किस शैली में से संबंध था? बूंदी शैली, बसोली शैली, कांगड़ा शैली और किशनगढ़ शैली। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कांगड़ा शैली। महान चित्रकार होने के साथ साथ राजा संसार चंद का संबंध कांगड़ा शैली से था। राजा संसार चंद के संरक्षण में कांगड़ा शैली अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। कांगड़ा स्थित संसार चंद संग्रहालय में कांगड़ा शैली की चित्रकला देखी जा सकती है। बूंदी शैली स्थानीय वनस्पति के चित्रण हेतु प्रख्यात है। बसौली शैली लघु चित्रकला से संबंधित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। रामानंद सागर की रामायण एक टीवी श्रृंखला 1986 से 1988 में सीता की भूमिका किसने निभाई थी? दीपिका चिखलिया ने, अपराजिता ने, पद्मा खन्ना ने, अंजलि व्यास ने। तो इसका हो जाएगा 16 का ए आंसर। रामानंद सागर की रामायण की एक टीवी श्रृंखला में सीता की भूमिका दीपिका चिखलिया ने निभाई थी, और इस टीवी श्रृंखला में प्रभु श्री राम का किरदार अरुण गोविल ने निभाया था। ठीक, और सुनील लहरी ने इसमें लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी, और रावण का किरदार अरविंद त्रिवेदी ने निभाया था।
हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है? मुर्गों की लड़ाई, साढ़ों की लड़ाई, भैंसों की दौड़ और आदिवासी नृत्य से। तो हमारा 17 का सी हो जाएगा, भैंसों की दौड़ से। कर्नाटक का जो कंबाला त्यौहार भैंसों की दौड़ से संबंधित है। इस त्यौहार में किसान दो भैंसों को हल से बांधकर पानी से भरे क्षेत्र में आयोजित दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेता है। मुर्गों की जो लड़ाई का खेल है वो झारखंड में प्रचलित है और तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार के अवसर पर साढ़ों के साथ लड़ाई का खेल खेलते हैं, जिसे जल्लीकट्टू कहा जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। महिलाओं ने पहली बार वर्ष डैस में ओलंपिक खेलों के सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया, 2012, 2014 और 1960। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। महिलाओं ने पहली बार वर्ष 2012 में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया। 1924 के ओलंपिक में पहली बार दो महिला खिलाड़ियों ने ओलंपिक में भाग लिया था और 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। ओलंपिक खेलों की प्रतिस्पर्धा प्रतिवर्ष 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होती है और आधिकारिक तौर पर भारत ने पहली बार 1920 में ओलंपिक प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस में, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। WHO की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। WTO, ILO, UNCTAD आदि संगठनों का मुख्यालय जिनेवा में है। WTO GATT नामक संस्था का परिवर्तित रूप है और GATT का पूर्ण रूप होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और WTO की स्थापना 1955 में हुई थी, और ILO का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे 20वां नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। डीबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? तो डीबगिंग का ऑप्शन नंबर सी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने हेतु। तो डीबगिंग क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें कि त्रुटियों की जांच करने की एक प्रक्रिया है। सॉफ्टवेयर डीबगिंग दो चरण में होता है, अल्फा परीक्षण एवं बीटा परीक्षण। डीबगिंग के दौरान कंप्यूटर को बग से मुक्ति दिलाई जाती है। पहला कंप्यूटर बग का नाम है मार्क टू था और कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। इस प्रकार आज का हमारा टेस्ट सीरीज 14 का 20 क्वेश्चन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम कुछ अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि फीफा का पूर्ण रूप क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल डी एसोसिएशन होता है। त्रिशूल और आकाश मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। 24 मार्च को प्रतिवर्ष हम लोग विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं और बिना गढ़ वाले शहर चरहुदड़ों को भारत का लंकाशायर कहा जाता है। और 18 मई 1774 में पोखरण प्रथम परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भारत सरकार द्वारा किया गया। और नीता अंबानी IOC की प्रथम भारतीय महिला सदस्य हैं, ठीक, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम भारतीय महिला सदस्य है। आर्मेनिया की राजधानी येरेवान है। मेकांग नदी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण पूर्व एशिया का डेन्यूब एवं दक्षिण पूर्वी एशिया की गंगा भी कहते हैं। जलीकट्टू का उल्लेख एरुथा जहू ओथुल मतलब सांड को गले लगाना तथा मंजू विराट मतलब सांड का पीछा करना आदि नाम से प्राचीन तमिल संगम में मिलता है। WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और कंप्यूटर विज्ञान के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इस प्रकार आज का हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 14 यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।